कुटलैहड़ हलके को कैबिनेट मंत्री बीरेंद्र कंवर ने बड़ी सौगात दी है। कंवर ने दो स्वास्थ्य उपकेंद्र और फायर सबस्टेशन और होमगार्ड के ऑफिस का उद्घाटन किया है। कंवर ने कहा कि पिछड़े हलके में स्वास्थ्य सेवा शुरू होने से लोगों को काफी फायदा होगा। ऊना में कुटलैहड़ विधानसभा में अब आगजनी की घटना पर जल्द काबू पाया जा सकेगा। ऊना में फायर सबस्टेशन का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र कंवर ने किया। वहीं उन्होंने दो स्वास्थ्य उपकेंद्रों और होमगार्ड के ऑफिस का भी उद्घाटन किया। कंवर ने कहा कि पिछड़े हलके में स्वास्थ्य सेवा शुरू होने यहां के लोगों को फायदा होगा। वहीं आगजनी की घटना अगर होती है तो अब फायर विभाग उस पर जल्द काबू कर लेगा। पहले यहाँ ऊना से फायर विभाग की गाड़ी 50 किलोमीटर का सफर तय कर पहुँचती थी, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता था। अब यहां फायर विभाग का ऑफिस खुलने से जल्द मदद मिलेगी। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट किया है। जहां दो स्वास्थ्य उप केंद्र, एक हरोट में और एक डीर में, आज जिनका उद्घाटन किया गया, और एक फायर स्टेशन सब स्टेशन का बंगाणा में, जो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और एक होम गार्ड का, वर्षों से यहाँ पर इनका बटालियन का जो था वो काम जो था वो चला था, लेकिन यहाँ पर इनका कोई अपना ऑफिस नहीं था। ये हमने विधायक निधि से जो है वो इसका कार्य जो है वो पूर्ण किया है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो पिछड़े क्षेत्र में एक स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभाव था, आपने न की घोषणा की, लेकिन उनकी कैबिनेट से भी इसकी स्वीकृति जो है वो दी गई, और फायर स्टेशन के लिए भी, सब स्टेशन के लिए भी, क्योंकि बंगाणा और ये कुटलैहड़ का क्षेत्र जो है वो ऊना से करीब 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पड़ता है, जिसके कारण कभी ऐसी कोई अचानक प्राकृतिक ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे नेचुरल कैलमिटी में जो है वो हमें सहायता नहीं मिल पाती। अब ये जो सब स्टेशन बना है ये हमारी इस आवश्यकता को पूरा करेगा, और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश सरकार का एक बार कुटलैहड़ वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ।